अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब कैसे से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग अनदर ड्रेस, अनदर अनस्ट्रेच ड्रेस बाय ज़रकश, और इसकी प्राइस है 6,995 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ में प्राइस है ये। और ये भी हमारे पास अनस्ट्रेच है, लेट्स सी हाउ इट इज़। ओके जी, इसका कलर काफ़ी अच्छा है, बेज सा टोन है इसका, और ज़रकश का अब तक का जो है मुझे ये काफ़ी अच्छा ड्रेस लग रहा है। अच्छा, ज़रकश के ड्रेसेस से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि फैब्रिक आई पर्सनली डिड नॉट लाइक इट, बहुत पतली लॉन है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा पतली लॉन नहीं पसंद। ओके, ये एम्ब्रॉयडर्ड सेंटर पैनल है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, और प्राइस के हिसाब से आई थिंक इसका जो 10,000 वाला ड्रेस था उस हिसाब से इस पर ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, और काफ़ी नीट एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। और ये इसके साइड पैनल्स हैं, राइट इस तरह से आएगा ये, दो तरफ के साइड पैनल्स हैं। अच्छा जी, रुख इसका जो है वो चेंज बता रही थी मैं, इस तरह से है ये, फ्लावर इस तरह आएगा और ऊपर साइड एम्ब्रॉयडरी होगी, तो इसका फ्रंट काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड है। और इसके बाद दामन का बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही नीट है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बहुत ही ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करती हूँ। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट और बहुत ही खूबसूरत है, ऐसी बारीक सफाई एम्ब्रॉयडरी वाले जो है ना काफ़ी टाइम के बाद देखते हैं। वैसे ओवरऑल इसके पूरे फ्रंट की ही एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, बट ये कि इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो यहाँ से पूरा ये प्लेन प्लीट्स हैं, प्लेन सेम कलर सेम बेस कलर की लेसेस हैं, वो सब इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद कटवर्क के बाद प्लेन ऑर्गेन्जा है, वो भी ये जो है बहुत थोड़ा सा है, आपको सेपरेट ले के डाई करवा के और फिर इस पर एप्लीक करवाना पड़ेगा यहाँ से, और इसको भी यहाँ से एप्लीक होगा, उसके बाद जो है प्लेन ऑर्गेन्जा आपको डाई करवाना पड़ेगा अगर इसकी लेंथ लंबी करनी है। और ये जो इतना पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये सब ड्रेस के अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं है, सब पार्ट ऑफ स्टिचिंग है, जिसमें छोटी छोटी लेसेस हैं जो कि बेस कलर की डाई करवानी होगी, और फिर ऑर्गेन्जा से प्लीट्स बनेगी तीन चार जगह पर, राइट चार जगह पर। सो ये सब जो है वो टेलर को मेहनत करनी होगी। उसके बाद इसका प्रिंटेड बैक है और स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर जो है ये यहाँ तक बॉर्डर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर क्रोशिया की लेसेस लेकर सेम कलर की डाई करवाई हुई है, और सेम कलर का ऑर्गेन्जा भी डाई करवा के नीचे ऑर्गेन्जा लगा के उसके ऊपर लेस लगाई हुई है, जो कि इसके ड्रेस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसका प्रिंट काफ़ी खूबसूरत है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो मुझे अब तक का ये सबसे अच्छा ड्रेस लगा है ज़रकश का, ये शायद फर्स्ट इनफैक्ट नहीं, अब तक का सबसे अच्छा मुझे ड्रेस यही लगा है। उसके बाद इसका जो है प्लेन कॉटन का ट्राउज़र है, और उसके बाद ये इसके एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं। अच्छा, ये बंचेस हैं, ये पूरा पैंचा तो बन नहीं सकता, ये बंचेस हैं, तो ये वन साइड पर आएंगे, फ्रंट साइड पर इसमें लगे हुए, बैक साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, तो ये जस्ट बंचेस हैं, एप्लिक होंगे पैंट के ऊपर। और इसके बाद इसका दुपट्टा जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो ज़रकश का आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ ड्रेस है, फोर्थ ड्रेस है, थर्ड है जिसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा है। उसकी वजह यह है कि लाइट के साथ डार्क के कॉम्बिनेशन एंड नॉट टू मच ब्राइट कलर्स, ये जो सटल कलर के पिंक कलर्स हैं, तो इसकी इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। ये डिजिटल सिल्क का दुपट्टा है, और जो है इसके ऊपर ये सारी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के कलर्स बहुत ही खूबसूरत हैं, लाइट एंड डार्क मेरे फेवरेट हैं, और बहुत पेस्टल कलर्स हैं, जैसे इसमें पिस्ताशियो का शेड है बहुत अच्छा, जिसमें जैसे इसमें जो है बिल्कुल लाइट पिंक का टच है, और पिंक के भी दो तीन शेड्स हैं, और ब्राइट वाला पिंक नहीं, तो इस वजह से इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो अब तक के जितने ड्रेसेस शेयर किए हैं मैंने ज़रकश के, उसमें से दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, इनफैक्ट दिस इज़ माई फेवरेट, नॉट वन ऑफ, ये मेरा सबसे फेवरेट है और बहुत ही खूबसूरत है। सो आई लव दिस वन, और हाईली रिकमेंडेड। जस्ट फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा सी थ्रू है, शायद इसमें जो है थोड़ी सी लाइनिंग लगानी पड़े, बट दिस इज़ माई चॉइस, सबकी अपनी पसंद है, अगर नहीं चाहें नहीं लगाएं तो भी
ये बहुत अच्छा पार्टी वेयर ड्रेस है, इसका कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है और प्राइस के हिसाब से भी ये वाला बाकियों से रीज़नेबल है। सो आई लाइक इट, होप यू लाइक इट टू। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।